जालौन के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना के तहत आज मजदूरों को जब काम मिला तो उनके चेहरे पर मुस्कान देखने को मिली। कोरोना की दूसरी लहर काफी भयावह थी। इस दौरान लागू किया गया लॉकडाउन गरीबों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनकर उभरा था, लेकिन अब धीरे धीरे परेशानी के बादल छटते दिखने लगे हैं। जालौन के माधोगढ़ ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम रूपापुर में मनरेगा के कार्यों की हकीकत जानने के लिए न्यूज वीके की टीम पहुंची तो मजदूरों के हाथों में फावड़े, कुदाल, गेती, तसला आदि देखकर यूं लगा कि जीवन की रेल पटरी पर फिर से आ रही हो। इस संबंध में जब न्यूज वीके की टीम ने मजदूरों और स्थानीय प्रधान से बात की तो उन्होंने कहा कि कोरोना काल के बाद काम मिलने पर बहुत ही खुश हैं और अब उनके परिवार का भरण पोषण ठीक से हो सकेगा। किस योजना के तहत आपको काम मिला है? और रोजगार गारंटी योजना से। ये कब से काम शुरू हुआ है? आज 7 तारीख से शुरू हुआ है। इसके पहले आप कहीं काम करते रहे हैं? हाँ, गुजरात जामनगर। आपको काम कर रहे हैं तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा काम हो रहा है, सभी लोग कर रहे हैं काम। नाम है आपका? किस ग्राम पंचायत? रूपापुर। अच्छा, आप लोग यहाँ काम कर रहे थे, इसके पहले कभी आपने काम किया है? हाँ, किया है। कहाँ पर? ऐसे गांव में मजदूरी किया है। तो आप लोग यहाँ मनरेगा के तहत आप काम कर रहे हैं तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अगर खूब करते रहते हैं। ये मनरेगा के तहत हमारा काम चल रहा है, महादेव राठौर खेत से बाबू दोहरे के खेत तक ये काम चला, आज से ही स्टार्ट हुआ है। कितने मजदूर यहाँ काम कर रहे हैं? अभी तो यहाँ पर 100 मजदूर लगे हुए हैं। तो ये काम कब तक चलने की? दो हफ्ते। कितना इनको एक दिन का मजदूरी मिलने की? दो से चार रुपये। इसके पहले कभी इनके मतलब ये बताया जा रहे हैं मजदूर का बाहर काम करते थे तो ऐसा क्या है जी, लोग बाहर जाते थे यहाँ काम नहीं मिलता था क्या? हाँ, इसमें कुछ मजदूर भी शामिल है जो बाहर रहते हैं, जैसे जामनगर रहते हैं, कोई अहमदाबाद रहता है, कोई दिल्ली रहता है, उनको भी जो प्रवासी मजदूर रहेंगे उनको भी काम यहाँ पर हम लोग दिला रहे हैं। और प्रधान हमारे समर सिंह हैं और इनके सहयोग से हम लोग सभी काम कर रहे हैं। जालौन से देवेश कुमार स्वर्णकार की रिपोर्ट।